हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 17 फरवरी को डॉक्टर जयशंकर सर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होते हैं, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा ही एक सिचुएशन रहता है जहां पे भारत के ओपिनियन या भारत का जो स्टैंड है जियोपॉलिटिक्स में उसके बारे में इनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और उस टफ सिचुएशन में या उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर सर बहुत ही बखूबी से भारत का जो ओपिनियन है या जो हमारा स्टैंड है ग्लोबली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सच में काबिले तारीफ है। और इस चीज से हम बहुत कुछ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एग्जैक्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था और क्या हमारे डॉक्टर जयशंकर सर ने रिप्लाई दिया था सवालों का। तो इस वीडियो में हम तीन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला तो ऑफकोर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हुए थे उसके बारे में, दूसरा रहने वाला है हमारा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है, और तीसरा थोड़ा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये एग्जैक्टली आप फोटो देख सकते हैं जहां पे डॉक्टर जयशंकर सर 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा सिचुएशन में बैठे होते हैं जहां पे उनके लेफ्ट साइड पे एंथनी ब्लिंकन होते हैं और ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं। बीते कुछ सालों में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से भारत रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन में आया है, भारत यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन में आया है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे और भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी जो हमारा रिलेशन है उसको हम काफी अच्छे तरीके से बिल्ट अप कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत हद तक जरूरी भी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम अगर बहुत ही कम देशों के साथ मिलेंगे या उनके साथ व्यापार करेंगे तो इससे जो डिपेंडेंसी होता है वो काफी बढ़ जाता है। और जब देश भारत जैसा हो जहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हों, हम ऑलमोस्ट एक जो हमारा एनर्जी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, ये कहीं ना कहीं हम इसको ऑलमोस्ट कह ले 95% तक हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो जाता है जहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, यूएस होता है, वो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है और ये अटेम्प्ट किया जाता है कि रशिया का जो इकॉनमी है उसको कम किया जाए या तो उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अगर किसी भी देश का अगर इकॉनमी खत्म हो जाएगा तो वो वॉर लड़ने के पोजीशन में नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूअसली रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहा। हालांकि वैसे तो कोई देश ने ऑफिशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया हमारे खिलाफ, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म था वहां से ये आवाज कॉन्टिन्यूअसली उठता रहा जहां पे ये डिमांड किया जा रहा था कि भारत रशिया से ऑयल परचेज ना करे। कुछ कम और ज्यादा कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम किए गए थे डॉक्टर जयशंकर सर के लिए, जहां पे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं या तो अगर आप कॉन्टिन्यूअसली अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था यानी कि 47 के आसपास का जो टाइम पीरियड था या 50s का जो टाइम पीरियड था, ग्लोबली वहाँ पे सिर्फ दो ही सुपर पावर थे, या तो आप यूएस के साथ में हैं या तो आप यूएसएसआर के साथ में हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनका एक पॉलिसी होता है कि हम ना तो यूएसएसआर की तरफ है ना तो हम यूएसए की तरफ है, हमारा जो पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। वहां से लेकर अब तक का जो हमारा जो सफर रहा उसी के बारे में कुछ डॉक्टर जयशंकर सर से पूछा जाता है कि आप लोग तो नॉन अलाइनमेंट जैसे थ्योरी के ऊपर आप लोग बात करते थे, आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप लोग बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा हैं, आप लोग बहुत सारे देशों के साथ आप लोग मिलकर व्यापार करते हैं। उसी के रिस्पांस में डॉक्टर जयशंकर सर कहते हैं कि अगर कोई देश स्मार्ट एनफ है, मल्टीपल कंट्रीज के साथ अगर वो अपने अच्छे रिलेशन को अच्छा कर सकता है, अच्छा बना सकता है, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत हद तक जो दुनिया का जो सेंटिमेंट है वो वेस्ट ड्रिवन है। अगर वेस्ट किसी को भी या वेस्टर्न कंट्रीज अगर किसी को भी कुछ बोलता है या कुछ ऐसा करता है तो दुनिया उसी चीज को मान बैठती है। क्योंकि अगर आप रशिया और यूक्रेन इन्वेजन या रशिया यूक्रेन वॉर को अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसा पढ़ के लगेगा कि रशिया एक बहुत ही एग्रेसिव देश है जिसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रशिया शायद इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा उसको प्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा बहुत ही कम बार देखा जाता है ना कि डॉक्टर जयशंकर सर कुछ कहते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में जिक्र ना हो, ऐसा शायद होता नहीं है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक ट्वीट किया जाता है जहां पे लिखा जाता है कि जयशंकर गेव सैवेज रिस्पांस एज ही वाज ग्रिल्ड अबाउट इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रशिया इंडिया टाइज एट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन म्यूनिक। तो अगेन ये बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे देश का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करें और हम किसी एक देश पे डिपेंडेंट ना रहें। जिस तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, शायद ये सुन के लग सकता है कि ईरान एक बहुत ही एग्रेसिव देश है और वो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, लेकिन किसी टाइम पे यूएसए और ईरान के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। रिलेशन बिगड़ जाने के बाद ईरान के बारे में इस तरीके से दिखा दिया गया जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल थ्रेट है। ऑलमोस्ट जियोपॉलिटिक्स में सभी देश अपने अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। अगर आपके देश का फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो देश को बहुत दिनों तक चला पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर सर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किस तरीके से पूरे दुनिया भर में शांति को बनाया जाए, अगर कहीं पे शांति नहीं बन पाती है तो उस चीज के ऊपर डिस्कशन किया जाए, अपने ओपिनियन को आगे रखा जाए और कोशिश किया जाए कि जो सिचुएशन है वो ज्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का जो एजेंडा है उसी को ये आगे बढ़ाते हैं। आज भी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो सिचुएशन हो रखा है उसके लिए बहुत हद तक जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगेन क्योंकि अफ्रीका का कोई अपना ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका जो गवर्नेंस है वो ऑलमोस्ट एक फेल्ड गवर्नेंस है तकरीबन ऑलमोस्ट सभी देशों में, तो उनका जो आवाज़ है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं पाता है। ऐसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का एक जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप लीडर से मिल सकते हैं, आप जो आपका जो देश का जो पर्सनल रिलेशन है वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिविजुअल देशों के साथ आप मिल सकते हैं, मिल के बैठ के आप बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ड्रिवन माइंडसेट के साथ होते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स के बारे में भी जिक्र किया गया था जहाँ पे ब्रिक्स स्टैंड करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लिए। रशिया और चाइना कहने की जरूरत नहीं है कि ये ऑलमोस्ट एंटी यूएस है। तो क्योंकि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर है इसलिए ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज बार बार पोर्ट्रे करता है कि इंडिया जो है वो काफी क्लोज है रशिया का, और जो कि बहुत हद तक सही भी है क्योंकि रशिया और हमारे जो रिलेशन है ये काफी पुराने रिलेशन है और ऑलमोस्ट जो स्टैंड रशिया का रहा है भारत के लिए ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट स्टैंड रहा है। ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स में जो पांचों देश है इसके हिसाब से ये दुनिया का 41% जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आज हम 2024 में हैं तो अगर इस डेटा को अगर आप देखें तो ये 2021 का डेटा है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 41% ग्लोबल पॉपुलेशन बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड अभी का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, लेकिन फिर भी इस 2021 का भी इन्फॉर्मेशन से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। पूरा दुनिया का जो 24% ग्लोबल GDP है वो रिप्रेजेंट करता है। इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल साइज 29.3% ज्योग्राफिकल साइज पूरे दुनिया का रिप्रेजेंट करता है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत का जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। फ्रांस समय दर समय ये कहता रहा है कि भारत को एक परमानेंट सीट मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके अलावा भी जिस तरीके से हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, बहुत हद तक यूएसए भी हमारा आर्म्स का जो इंपोर्ट है वो है, लेटेस्ट में हम लोगों ने ड्रोन लिया। तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन था जिस तरीके से जयशंकर सर से सवाल पूछा गया था और जिस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत का जो ओपिनियन है, जो स्टैंड है, ये सच में काबिले तारीफ है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।